तारामंडल स्थित नौकैन पर घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखने के लिए शनिवार और रविवार को ट्रैफिक विभाग ने नई यातायात व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नौकैन पर टूरिस्ट हर रोज घूमने आते हैं और अपने अच्छे मोमेंट व्यतीत करते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट और नागरिकों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पैडलेगन से नौकैन घूमने वाले लोगों का चार पहिया वाहन सर्किट हाउस मोड से आगे प्रतिबंधित रहेगा। सर्किट हाउस मोड से डायवर्जन करके मुख्य गेट के बगल में पार कराया जाएगा तथा सर्किट हाउस और प्रेक्षागृह भर जाने पर पैडलेगन से नौकायन की तरफ जाने वाले चारपहिया वाहन को चंपा देवी पार्क में पार्किंग कराया जाएगा तथा नौकायन पर घूमने वाले लोगों को महंत दिग्विजयनाथ पार्क, सर्किट हाउस, बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह और चंपा देवी पार्क में पार्किंग व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, रामगढ़ ताल पर स्थित नया सवेरा नाम का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे गोरखपुर तथा आसपास के जनपदों के आने वाले टूरिस्ट तथा घूमने वाले लोग वहाँ पर आते हैं और अपने अच्छे मोमेंट्स वहाँ पे व्यतीत करते हैं। तो वहाँ पर नागरिकों की और टूरिस्ट की सुविधा के लिए वहाँ फोर व्हीलर और टू व्हीलर की वजह से जो मेन बुद्धा द्वार पे जाम लगता था, उसके लिए सभी के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सर्किट हाउस पर उनकी पार्किंग की जाएगी। और अब और जो देवरिया की तरफ से आएंगे, देवरिया बाईपास की तरफ से, उनकी पार्किंग ट्रांसफार्मर तिराहा की तरफ दिग्विजयनाथ पार्क में की जाएगी। इस पार्किंग की व्यवस्था होने से नागरिकों को घूमने फिरने और खाने पीने में सहूलियत होगी। इस व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए GDA से बेंडिंग जोन बनाने का अनुरोध किया गया है, ताकि नागरिक उस सुरम्य वातावरण का रामगढ़ ताल स्थित नया सवेरा पार्क पर अच्छे से इसका एंजॉय कर सकें। सर, कितनी गाड़ियाँ खड़ी होने की क्षमता है? जितने टूरिस्टों का इनपुट है उसके लिए पर्याप्त क्षमता है, क्योंकि महंत दिग्विजयनाथ पार्क काफ़ी बड़ा है और इससे पहले सर्किट हाउस पर है, और सर्किट हाउस की पार्किंग जब भर जाएगी तो हमारे पास गंभीरनाथ प्रेक्षागृह वाला रोड और उसके पीछे जगह है खड़ी करने की, और इसके अतिरिक्त चंपा देवी पर भी हमने वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था रखी हुई है, तो पार्किंग की कोई कमी नहीं है। सर, शुल्क है? चूँकि GDA इसको मैनेज कर रहे हैं तो शुल्क के बारे में निर्णय GDA द्वारा लिया जाएगा। ये ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था पिछले रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार 13, 14, 15 अगस्त से लागू है, और इसको प्रत्येक सैटरडे, संडे और महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन इस डायवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। इसकी अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अगर बीच में कोई और सभा दिन या महत्वपूर्ण पर्व आता है तो इसको आवश्यकतानुसार बीच में भी लागू करेंगे, परंतु ये सैटरडे, संडे और महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन के लिए ये डायवर्जन का आदेश स्थायी है। सर, डायवर्जन में टीम भी लगाई गई है? डायवर्जन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तथा रामगढ़ ताल पुलिस की टीम पूर्व से लगाई गई है, और इसके बारे में सभी प्रचार माध्यमों से और आपके माध्यम से आम जनता को अवगत भी कराया जा चुका है।